अस्सलाम वालेकुम. इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द जॉइंट वेंचर कैपिटल्स. वी डिस्कस्ड दैट हाउ वेंचर कैपिटलिस्ट ब्रिंग कैपिटल फॉर स्टार्टिंग अ न्यू आइडिया फॉर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडिया. हमने जब क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कोर्स है हमारा, उसका जो बेसिक पर्पस था, उसमें हमने तमाम वो इंस्टीट्यूशंस देखने थे दैट आर इन्वॉल्व इन ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम पीपल हु हैव एक्सेस फंड्स टू दोज पीपल हु हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स. ठीक है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स हैं या वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती ट्रांसफर ऑफ फंड्स में. लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आप क्रिएट कर रहे होते हो कैपिटल उन फर्म्स के लिए जो एक नया आइडिया लेके आ रही होती हैं. वेंचर कैपिटल फर्म्स का आइडिया कैसे आया? वेंचर कैपिटल्स का आइडिया सबसे पहले यूएस में डेवलप हुआ. यूएस में 1800s में डेवलप हुआ. एक तो उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि जो अमेरिकन इकोनॉमी है वो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है. उसमें इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होने की वजह से वो लोग चाहते थे कि वो अपने चिल्ड्रन पे रिलाय करने के बजाय वो अपने ऊपर रिलाय करें. और सेकेंडली इसमें जो एक और मेन जो इसका था कि इसकी वहां पे स्टार्ट कैसे हुआ, वो ऐसे था कि आपका जो अमेरिकन फर्म्स हैं वहां पे जो टेक्नोलॉजिकल यूज वहां बहुत ज्यादा हुआ और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस बहुत ज्यादा हुई. तो जब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस आई तो उनके पास क्रिएटिव आइडियाज आए. उन्हें लगा कि वो एक नया आइडिया लेके आएंगे और एक नई चीज मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएंगे दैट कैप्चर्स अ मार्केट शेयर. अगर हम उन सम फेमस वेंचर कैपिटल्स की बात करें तो उसमें कौन कौन थी? सिस्को एंड एप्पल, द वेरी वेल नोन ब्रांड्स. ऑल ऑफ यू आर वेरी मच अवेयर फ्रॉम दीज ब्रांड्स. इसमें क्या था, एप्पल का जो बेसिक काम है वो क्या था कि एप्पल एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया जो उसको डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम वेरी अदर ब्रांड्स. इसी तरह वो उसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और क्रिएटिव आइडियाज आए. अगर हम वेंचर कैपिटल्स का अपनी इकोनॉमी में बेनिफिट देखें तो ये है कि एक तो सबसे जो बड़ा बेनिफिट है कि वेंचर कैपिटल्स जो हैं वो जब एक नया आइडिया लेके आते हैं तो एक नया आइडिया स्टार्ट करते हैं तो इट क्रिएट्स अ नंबर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कम हो जाता है उसकी वजह से. उसके बाद क्या होता है कि कोई भी आइडिया अगर वो मार्केट शेयर कैप्चर कर लेता है, अगर वो सक्सेसफुल रह जाता है, जैसे हिस्ट्री से पता चला एप्पल है, सिस्को इनकॉर्पोरेशन वगैरह हैं, तो क्या होगा जब वो मार्केट में कम होगा तो वो मार्केट में उन्होंने मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया तो आपका ऑफकोर्स आपका ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक वेलबींग पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा. तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है फिर हम बात करते हैं आप वो लोग फंड्स वगैरह कैसे लेते हैं, वेंचर कैपिटल्स क्यों. देखिए जब एक नया आइडिया आता है मार्केट में तो जब वो बैंक्स कंज्यूमर बैंक्स की तरफ जाएंगे, उनसे लोन लेना चाहेंगे, तो कंज्यूमर बैंक्स जो है वो दे फील रिलक्टेंट इन गिविंग लोन्स टू द पीपल हु स्टार्ट अ न्यू बिजनेस. वो क्यों हेजिटेशन फील करते हैं? इसलिए कि देखिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं जब वो लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो वो देखते हैं हमारा डिफॉल्ट रिस्क कम से कम हो. क्या जो हम जिसको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो वापस भी कर सकेंगे वो लोन्स के नहीं दे सकेंगे? तो उसमें जो हमारी वेंचर कैपिटल जो फर्म्स हैं वो नई नई मतलब एक अगर नया आइडिया कोई बंदा लेके आएगा तो उसके पास तो ऑफ कोर्स ज्यादा इतनी वो नहीं होगी कैश फ्लोज वगैरह कि वो कोई सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कर सके. तो इस तरह कमर्शियल बैंक से तो वो लोन्स नहीं ले सकते. फिर वो लोग अगर इन्वेस्टमेंट बैंक्स की हेल्प लें. आप लोगों को इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने इन्वेस्टमेंट बैंक्स का बताया था. इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या है कि वो असिस्ट करते कंपनीज को जब वो स्टॉक वगैरह सेल आउट करती हैं, वो कंपनीज को ये इंफॉर्मेशन या गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि व्हेन एंड हाउ टू इश्यू द स्टॉक. ठीक है, तो जब वो भी नहीं कर सकते आईपीओस वगैरह में क्योंकि वो नया आइडिया है. अब आईपीओ में अगर देखें जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर होते हैं तो जब जनरल पब्लिक की कैसे डिसीजन करती है, ईदर दे हैव टू परचेज दीज शेयर्स और नॉट. वो इस तरह करते हैं कि वो देखते हैं कि कंपनी की रेपुटेशन क्या है. अब जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट है, जो एक नया बंदा एक नया आइडिया लेके आ रहा है, ऑफ कोर्स उसको मार्केट में वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं होगा. अगेन वो इन्वेस्टमेंट बैंक से भी नहीं लेके आएंगे. देन जो है वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स का ओरिजिनेट हुई.
क्योंकि इनका जो बेसिक काम था वो ये था कि इन लोगों को लोन प्रोवाइड करना, जो नए लोग हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, जो नया आइडिया लेके आ रहे हैं, ठीक है। और उस वो फिर उनको लोन्स वगैरह दे, क्योंकि उनके पास क्रिएटिव आइडिया तो है, इनोवेटिव आइडिया तो है, बट दे हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स। इस तरह वेंचर कैप, और अगर आपका वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट देखें तो उसमें वो लोन्स वगैरह लेती हैं, उनको टैक्स एग्जेम्पशंस वगैरह मिल जाती हैं, उनके नॉर्मली ये कौन होते हैं, ये एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो हमारा न्यू टैलेंट आता है। तो इससे सबसे जो बड़ी हमारी ग्रोथ होगी, नेचुरल ग्रोथ तो होगी ही होगी, लेकिन एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। आप लोग अपने यंग जनरेशन को मोटिवेट करेंगे तो एक नया आइडिया लेके आए, तो वो एक नया आइडिया लेके आएंगे तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म्स का मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि आप लोग बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ एमबीए, आप लोगों को बहुत सारे बिजनेसेस की हमने फॉर्म्स देखी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें की, तो वेंचर कैपिटल जो है ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में, क्योंकि हमने तमाम वो चीजें देखी जिनका भी कहीं ना कहीं फंड्स के साथ जिक्र था, ताकि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। वेंचर कैपिटल्स के साथ मैंने थोड़ा सा एक आइडिया आपके साथ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का डिस्कस किया था, जब हमने बैंक्स को डिस्कस किया था आप लोगों को याद होगा, तो हमने बैंक कंसोलिडेशन की बात की थी। बैंक कंसोलिडेशंस क्या है कि जब बैंकिंग पैनिक वगैरह चल रहा था, कि जब ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था 1930 से 1933 का, तब बहुत सारे बैंक्स जो है वो फेल हो गए थे। मतलब उसमें उनके बैंक फेलियर्स किस तरह थे, एक तो ये कि वो डिपॉजिटर्स को टाइमली जो है उनके जो अमाउंट्स थी वो विड्रॉ कराने आए तो बैंक्स आर अनेबल टू गिव देम बैक देयर डिपॉजिट्स। तो बैंकिंग पैनिक आ गया। बैंकिंग पैनिक जब आया, बैंकिंग पैनिक में क्या हुआ कि आपकी जो बैंक्स वगैरह हैं उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। तब क्या हुआ कि तब ये कुछ बैंक्स जो हैं आपस में कंसोलिडेट हो गए, आपस में मर्जर कर लिया। मर्जर जब किया इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ओवरऑल एफिशिएंसीज, ठीक है, वो मर्ज हो गए और उन्होंने एक नाम वगैरह बना लिया। मर्जर एंड एक्विजिशंस का कंसेप्ट भी आपके बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। मर्जर्स आप लोगों को पता होगा, बहुत सारे मेजर, अगर हम यहाँ पे वेल नोन मर्जर्स देखें, स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये दो बैंक जो मिलकर मर्ज हो गए, जब मर्ज होते हैं तो इनके दो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपस में मर्ज हो जाते हैं। एक्विजिशन का जो कंसेप्ट है इसमें क्या है, वर्ड एक्वायर, इसमें क्या होता है कि वर्ल्ड ए जो है वर्ल्ड बी को एक्वायर कर लेता है, क्योंकि वर्ल्ड बी की जो फाइनेंशियल, हो सकता है एक तो वो इंसॉल्वेंट हो गया हो या उसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो, वो सरवाइव ना कर सके, तो बैंक ए उसको एक्वायर कर लेता है, ठीक है। अब मर्जर्स एंड एक्विजिशंस जो हैं, और इसमें जो सबसे मेजर रोल है वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स का है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो हैं वो दे एक्ट एज अ रोल ऑफ द मिडल मैन, ठीक है। अगर दो बैंक्स मर्ज हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, लाइक लेट्स सपोज दैट कि बैंक ए और बैंक बी मर्ज होना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट बैंक बैंक ए को भी इंफॉर्मेशन देगा, बैंक बी को भी, और उनसे फी वगैरह चार्ज करेगा। इस तरह इन्वेस्टमेंट बैंक जो मिडल मैन का रोल प्ले करता है व्हेन बैंक्स आर गोइंग टू मर्ज और व्हेन वन बैंक इज गोइंग टू एक्वायर अनदर बैंक। ये तो था हमारा प्रीवियस लेक्चर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर है, और आप मतलब कोई ऐसा उसमें डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है। हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ चीजें डिस्कस भी की हुई होंगी, लेकिन चैप्टर का नाम है सेविंग एसोसिएशंस एंड क्रेडिट यूनियंस, ठीक है। मेरा आपको ये चीजें अलग अलग बताने का, क्योंकि मेरी कोशिश थी कि जितनी भी टर्म्स हमने यूज की हैं उस पर वन एक्सक्लूसिव लेक्चर हो, ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी मिले सिर्फ उस पर्टिकुलर, जैसे हमने इंश्योरेंस कंपनीज का पढ़ा, माइट पॉसिबल भी आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ हो, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज की जितनी भी चीजें थी या उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या उसकी आज क्या कंडीशंस हैं, ताकि आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव लेक्चर, जिस तरह हमने पेंशन्स को डिस्कस किया, इस तरह हमने म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस किया, वेंचर कैपिटल को डिस्कस किया, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेविंग एसोसिएशन एंड क्रेडिट यूनियंस। सेविंग एसोसिएशन एंड क्रेडिट यूनियंस, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी एसोसिएशन हैं जो लोगों की सेविंग्स को प्रमोट करती हैं और फर्दर उनको लैंड करती हैं जिन लोगों को जरूरत होती है। तो अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में इनका बहुत मेजर रोल है। हम देखेंगे, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर।
सबसे पहले हम देखेंगे कि कंज्यूमर बैंकिंग जो है, आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी तरह ये आइडिया हो गया होगा कि 1800 में सिर्फ कंज्यूमर बैंकिंग थी, कमर्शियल बैंक्स जो है कॉमन थे, उनका जो बेसिक काम था वो ये था कि लोन प्रोवाइड करेंगे एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सिर्फ कमर्शियल बैंक्स ही थे जो लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे। लेकिन इन द लेटर ईयर्स ऑफ 1800s अ न्यू टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ओपन्ड, सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आज हम बेसिकली क्या चीजें देखेंगे। वी एग्जामिन द रोल ऑफ सेविंग्स एंड लोन एसोसिएशंस, म्यूचुअल सेविंग बैंक्स एंड क्रेडिट यूनियंस। ठीक है, हम सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस देखेंगे, म्यूचुअल सेविंग बैंक्स देखेंगे एंड क्रेडिट यूनियंस दैट आर कलेक्टिवली नोन एज थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अगर हम बजाय इसके कि हम ये कहें म्यूचुअल सेविंग बैंक, सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस और क्रेडिट यूनियंस, हम कलेक्टिवली इनके लिए वर्ड यूज करते हैं थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस का। हम इनको देखेंगे कि इनकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, हिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट्स कैसे ओरिजिनेट हुए, फिर हम देखेंगे आज क्या है और पॉलिटिकल सिनेरियो में डिफरेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और क्या आज इनका क्या स्टेटस है, क्या आज भी सेविंग एंड लोन एसोसिएशन बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर हम जनरली बात करें तो शायद आज हम लोग इनका इतना जिक्र ना सुने, लेकिन ये हम अब आफ्टर एंडिंग दिस चैप्टर आप लोगों को एक क्लैरिटी मिलेगी कि इनकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट थी, और अगर ये आज नहीं है तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस। द मेजर टॉपिक्स इंक्लूड म्यूचुअल सेविंग बैंक्स, सेविंग इन लोन एसोसिएशंस, सेविंग इन लोन्स इन ट्रबल, द थ्रिफ्ट क्राइसिस, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द सेविंग्स एंड लोन क्राइसिस, सेविंग्स एंड लोन्स बेल आउट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म, रिकवरी एंड एनफोर्समेंट एक्ट ऑफ 1989, द सेविंग एंड लोन्स इंडस्ट्री टूडे, क्रेडिट यूनियंस। लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट म्यूचुअल सेविंग बैंक्स। ठीक है, म्यूचुअल सेविंग बैंक्स, अगर हम मैं आपसे जनरली इस कंसेप्ट को पूछूं कि ये क्या होता है, तो देखिए म्यूचुअल सेविंग बैंक्स का जो वर्ड है बेसिकली ये क्या होता है कि ये एक ऐसा बैंक है जो सेविंग्स को प्रमोट करता है। ठीक है, म्यूचुअल सेविंग बैंक जो है इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज चार्टर्ड बाय अ रीजनल और अ सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट कैपिटल स्टॉक दैट इज ओन्ड बाय इट्स मेंबर्स हु सब्सक्राइब टू ए कॉमन फंड। देखिए क्या है, म्यूचुअल सेविंग बैंक भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी इसमें भी बेसिक काम है कि वही जो फंड्स ट्रांसफर का है, लेकिन इसको चार्टर्ड, दैट इज चार्टर्ड, इसको कौन चार्टर, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट या आपकी रीजनल गवर्नमेंट जो है वो गवर्न कर रही है, और इसमें कोई कैपिटल स्टॉक वगैरह नहीं है, बल्कि कैपिटल कौन है, जो मेंबर्स हैं वो खुद कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी मेंबर्स ने ये खुद बनाया है म्यूचुअल सेविंग बैंक। देखिए आप इसमें क्या होता है कि जो आपके लाइक इसका जो कंसेप्ट ओरिजिनेट बेसिकली हुआ था वो यही था कि कुछ लोगों ने मिलकर एक यूनियन वगैरह बना ली, लेटर ऑन मैं आपको बताती हूँ, वो यूनियन बन गई, उस यूनियन में जिन लोगों की सेविंग्स वगैरह थी वो उन्होंने एक जगह डिपॉजिट कर दी, और अल्टीमेटली उन्होंने एक इसका ओनर वगैरह बना दिया कि जो सेविंग्स वगैरह रखता था उस डिपॉजिट जो उनके पास आते थे वो उनको कुछ इंटरेस्ट वगैरह प्रोवाइड करते थे, और वो फिर आगे फर्दर जो है लोगों को जरूरत होती थी उनकी बोरिंग नीड्स को फुलफिल करते थे, और फंड क्लेम्स वगैरह उसमें क्या है कि प्रॉफिट जो होता था वो आफ्टर डिडक्शंस जो है वो लोग मेंबर्स वगैरह आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे। और बेसिकली वो किन सेविंग्स में इन्वेस्ट करते थे, नॉर्मली वो मॉर्गेजेस में, लोन्स में, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज, एंड टू शेयर इन एनी प्रॉफिट और लॉसेस दैट रिजल्ट। म्यूचुअल सेविंग बैंक्स की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्टोरिकली इसकी जो जनरेशन है वो इस तरह था कि एक सेविंग एंड फ्रेंडली यूनियन थी दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रेवरेंट हेनरी डंकन इन 1810 इन स्कॉटलैंड। ठीक है, वो एक ऐसी सेविंग एंड फ्रेंडली सोसाइटी आप इसने बनाई हुई थी जिसमें यह था कि वो लोगों की फ्रेंडली, मतलब उसमें फ्रेंड्स वगैरह ने मिलकर बनाई हुई थी सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए। वो उसको जो उसका ओनर था वो रेवरेंट हेनरी डंकन था। लेटर ऑन डंकन एस्टैब्लिश द स्मॉल बैंक इन ऑर्डर टू इनकरेज हिज वर्किंग क्लास एंड टू डेवलप द थ्रिफ्ट।
लेटर ऑन उसने क्या किया, देखिए पहले आप एक उसने स्मॉलर लेवल पे काम शुरू किया कि एक यूनियन बनाई अपने फ्रेंड्स उनकी सेविंग्स वगैरह लेके, जब उसका लोगों को बहुत ज्यादा ट्रस्ट वगैरह हुआ या उसका काम जो है वाइड स्प्रेडली लोगों में उसकी ज्यादा लोग आगे उसकी यूनियन कुछ बड़े लेवल पे होगी, तो देन उसने इसको बैंक का स्टेटस दे दिया, ताकि उसने कहा कि बैंक्स का स्टेटस दिया ताकि वर्किंग क्लास को किया जा सके, उनकी वर्किंग नीड्स को फुलफिल किया जा सके। उसके बाद इसका एक आइडिया तो म्यूचुअल सेविंग बैंक्स का ये था कि जो उसकी सेविंग्स वगैरह को प्रमोट करें। सेकंड जो आइडिया था वो था फ्रेडरिक विलियम ने, उसने क्या किया, उसने कुछ रूरल क्रेडिट यूनियंस वगैरह बनाई और कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह, ठीक है, ताकि लोगों को जो है लोगों को उनकी जो एक ऐसी यूनियन बनाई जो लोगों की बोरिंग नीड्स को फुलफिल कर सके और जो लोगों की सेविंग्स वगैरह है उनपे भी उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया जाए, ठीक है। इससे हमें पता चला कि म्यूचुअल सेविंग बैंक्स जो हैं हिस्टोरिकली ये एक यूनियन थी जिसको लेटर ऑन बैंक्स का स्टेटस दिया गया, ठीक है। और जो देखिए आपको अगर म्यूचुअल सेविंग बैंक्स में एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ कि कमर्शियल बैंक्स में जो है शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द बैंक, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो डिपॉजिटर्स हैं दैट आर द ओनर्स ऑफ द बैंक, क्योंकि डिपॉजिटर्स ने मिलकर अपने डिपॉजिट से एक बैंक बनाया है और एक्चुअली उनका वोटिंग राइट वगैरह होता है। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ म्यूचुअल सेविंग बैंक्स के डिफरेंट यूजेस वगैरह। उसमें सबसे पहले तो ये था कि म्यूचुअल सेविंग बैंक्स को इसलिए डिजाइन किया गया था कि ताकि वो सेविंग्स को प्रमोट कर सके, और जो इसका एक्सक्लूसिव फंक्शन था उस वो ये था कि एक तो लोगों के डिपॉजिट्स वगैरह को सेफ एंड सिक्योर प्लेस मिल जाए। देखिए जब भी लोग अपने डिपॉजिट्स वगैरह बैंक्स में रखवाते हैं या अपने कोई भी जैसे ज्वेलरी लॉकर्स वगैरह में, तो कस्टमर्स को एक सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। देखिए इसीलिए तो लोग अपने जो सेविंग्स वगैरह वो बैंक्स में रखवाते हैं ताकि एक सिक्योर प्लेस मिले। अगर उसमें सिक्योरिटी पर्पज नहीं होगा तो कस्टमर्स वहां पे रिलाय नहीं करेंगे। जैसे आपको बताया जब ग्रेट डिप्रेशन में बहुत सारे बैंक्स जो हैं फेल हो गए तो लोगों का जो कॉन्फिडेंस था बैंक्स के ऊपर वो कम हो गया। फिर ये हुआ कि लोगों का जब कॉन्फिडेंस कम हुआ अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो गई तो एक कॉन्टेजन इफेक्ट आया कि देखिए एक बैंक तो बैंकिंग पैनिक में था लेकिन उसका इम्पैक्ट दूसरे बैंक पे पड़ा, क्योंकि लोगों की एक साइकोलॉजिकल नेचर थी, लोगों ने जब सुना तो लोगों ने कहा कि ये बैंक कर सकता है तो ये बैंक भी कर सकता है। तो इस तरह कॉन्टेजन इफेक्ट से बहुत सारे बैंक्स जो है वो उनकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट किया गया। सेम इन द केस जब ये जो सेविंग म्यूचुअल सेविंग बैंक बना इसमें लोगों को बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए थी, उनके डिपॉजिट्स जो हैं वो सेफ एंड सिक्योर प्लेस में हो, वो ऐसी इन्वेस्टमेंट में हो जो सिक्योर हो, जो लेस रिस्की हो, एंड टू प्रोवाइड डिपॉजिटर्स विद द इंटरेस्ट, और उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाए ताकि जो इनका प्रॉफिट हो, जो इनका बेनिफिट हो, क्योंकि अगेन इंटरेस्ट की वही बात कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आ जाता है कि उन्होंने अगर बैंक में कुछ पैसे रखे हैं अगर एक साल बाद भी उतने ही रहेंगे तो जाहिर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाए। देखिए उसके बाद म्यूचुअल सेविंग बैंक्स जो हैं अगर उसके बाद वो एक तो पर्सपेक्टिव उनका डिपॉजिटर्स के साथ था, दूसरा क्या था बोरोअर्स को, कि बोरोअर्स को अगर कुछ ऐसे जो उनकी नीड्स वगैरह शॉर्ट टर्म नीड्स वगैरह के लिए, तो उन्होंने लोगों को बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स प्रोवाइड किए इन ऑर्डर टू फुलफिल द बोरिंग नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। अब अगर हम म्यूचुअल सेविंग बैंक्स में देखें तो एक तो नंबर वन की डिपॉजिटर्स जो हैं दैट आर द ओनर्स ऑफ द फर्म, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसमें डिपॉजिटर्स होते हैं वही बैंक का कंसेप्ट ओरिजिनेट करते हैं, इसलिए दैट आर द ओनर्स ऑफ फर्म, ठीक है। सेकंड क्या है कि स्टॉक इन द बैंक इज नॉट सोल्ड और इश्यूड, कि जो बैंक का स्टॉक है वो सोल्ड या इश्यू नहीं किया जाता बट रादर डिपॉजिटर्स ओन अ शेयर ऑफ बैंक इन प्रोपोर्शन टू देयर डिपॉजिट्स। देखिए लेट्स सपोज इस कंसेप्ट को मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करती हूँ। लेट्स सपोज दैट कि फाइव मेंबर्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई, उन्होंने मिलके उन सब की सेविंग्स थी, डिफरेंट सेविंग्स थी, लाइक ए की अगर सेविंग्स जो है वो 200,000 है, बी की 150,000 है, सी की 100,000 है और डी की जो है वो 75,000 और ई की 50,000, उन सब ने मिलकर एक बैंक बना लिया। लेकिन देखिए उन्होंने अपने ही डिपॉजिट्स दिए, लेकिन देखिए जो उनका स्टॉक है वो डिपॉजिटर्स के पास किस तरह है, उनका उस प्रोपोर्शन से, देखिए ए का जो है 200,000 था तो ए के जो बैंक में शेयर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी, बी का ज्यादा है एज कम्पेयर टू सी, और ई का जो है वो मिनिमम शेयर है क्योंकि उसकी रेशियो जो है वो कम है, रेशियो ऑफ डिपॉजिट्स।
किस तरह आप लोग बात करते हैं कि हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात करते हैं कि पार्टनरशिप में जब पार्टनरशिप बनाया जाता है, दो या तीन लोग मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उनको जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, उनकी जितना उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है। सेम इन द केस म्यूचुअल सेविंग बैंक्स में भी डिपॉजिटर्स का उतना ही शेयर होता है जितने उनके डिपॉजिट्स होते हैं। उसके बाद ये कि म्यूचुअल सेविंग बैंक्स में लायबिलिटीज कम होती हैं। वो किस तरह, देखें लायबिलिटीज क्या होती हैं, जब वो लोगों को, हमने लायबिलिटीज का कंसेप्ट क्या देखा था, लायबिलिटीज यही था ना कि जब वो उनके रिजर्व्स वगैरह होते हैं, लोगों के डिपॉजिट्स वगैरह होते हैं, डिपॉजिट्स जो हैं बैंक की लायबिलिटी है और कस्टमर का एसेट है। आपको याद हो जब हमने बैंकिंग इंडस्ट्री को पढ़ा था, मैंने आपको बैलेंस शीट शेयर की थी, मैंने आपको बताया था कि डिपॉजिट्स बैंक के लिए कैसे लायबिलिटी है। उसको रिकॉल करते हैं, डिपॉजिट्स जो हैं देखिए बैंक की लायबिलिटी है, बैंक इज ऑब्लिगेटेड टू पे द पेमेंट ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर, ठीक है, जिसने डिपॉजिट्स वगैरह रखवाए हैं, इसलिए बैंक की वो लायबिलिटी है। लेकिन इन द केस ऑफ म्यूचुअल सेविंग बैंक्स वो लायबिलिटी नहीं होती, वो ओनरशिप होती है, क्योंकि डिपॉजिटर्स ने खुद ही बैंक बनाया होता है, तो दैट इज द ओनरशिप रादर कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद एक जो मेजर इसमें प्रॉब्लम है म्यूचुअल सेविंग बैंक्स में, वो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है, एजेंसी प्रॉब्लम, क्योंकि मैनेजर्स जो हैं दैट टाइम टू बी मोर रिस्क अवर्स, वो चाहते हैं कि वो रिस्क अवर्स हो। देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो यही चाहता है कि सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट विद मिनिमम रिस्क। ये जो था म्यूचुअल सेविंग बैंक्स का कंसेप्ट, ठीक है, म्यूचुअल सेविंग बैंक्स के कंसेप्ट को हम थोड़ा सा रिकॉल करके फिर हम आगे सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस को डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल सेविंग बैंक्स जो हैं वो क्या हैं, वो एक ऐसे बैंक्स हैं जिनको बनाया गया था इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द डिपॉजिट्स, ठीक है, उन डिपॉजिट्स को, लोगों के डिपॉजिट को सेफ एंड सिक्योर प्लेस में रखने का, और ऐसी इन्वेस्टमेंट करना जो सेफ एंड सिक्योर हो, और लोगों की बोरिंग नीड्स को फुलफिल करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस की। सेविंग एंड लोन एसोसिएशन, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये भी एक एसोसिएशन थी कि जिसमें आप लोगों की सेविंग्स और लोन, सेविंग्स अगेन वही कंसेप्ट आ जाता है कि लोगों की सेविंग्स वगैरह रखें और लोन्स को। अगर हम म्यूचुअल सेविंग बैंक्स को देखें एंड सेविंग एंड लोन एसोसिएशन को, मोर और लेस ये सेम है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगी। सेविंग एंड लोन एसोसिएशन की हम डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। सेविंग एंड लोन एसोसिएशन इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट स्पेशलाइजेस इन एक्सेप्टिंग सेविंग डिपॉजिट्स एंड मेकिंग मॉर्गेजेस एंड अदर लोन्स, ठीक है। सेविंग एंड लोन एसोसिएशन जो है ये भी एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों की सेविंग्स को लेता है और उनको, लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करता है। सेविंग एंड लोन एसोसिएशन को SNLs भी कहते हैं। ये कंसेप्ट नॉर्मली यूज होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड किंगडम में, आयरलैंड में और सम अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज, इंक्लूडिंग बिल्डिंग सोसाइटीज एंड ट्रस्टीज सेविंग बैंक्स। बाद जगहों पे सेविंग एंड लोन एसोसिएशन को म्यूचुअल सेविंग बैंक्स भी कहा गया, क्योंकि इनके जो बेसिक फंक्शंस हैं वो बिल्कुल सेम हैं। लेकिन इसमें क्या है कि डिपॉजिटर्स एंड बोरोर्स आर द मेंबर्स विद द वोटिंग राइट्स, ठीक है। डिपॉजिटर्स और मेंबर्स जो हैं बैंक के, वो मेंबर्स हैं विद द वोटिंग राइट्स एंड हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट द फाइनेंशियल एंड द मैनेजेरियल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये आप इसमें क्या है कि ये लोग एक तो खुद ही मेंबर्स होते हैं और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजेरियल एंड द फाइनेंशियल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम लेटर ऑन, अगर हम स्टॉक सॉरी सेविंग एंड लोन एसोसिएशन को देखें तो ये एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी बन सकती है, लेकिन जब ये कंपनी का स्टेटस उसको मिल जाएगा तो आपको पता है कंपनी के कुछ अपने लॉज हैं, तब जो है आपके जो डिपॉजिटर्स और बोरर्स जो हैं वो मेंबर्स नहीं होंगे, उनके पास मेंबरशिप राइट्स नहीं होंगे और ना मैनेजरियल कंट्रोल होगा। अब हम देखते हैं कि सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट क्या है, हिस्ट्री में ये कंसेप्ट कैसे आया। ये कंसेप्ट तब स्टार्ट हुआ था जब 19th सेंचुरी में बैंकिंग जो है वो सिर्फ वो लोग करते थे जिनके पास बहुत ज्यादा एसेट्स और वेल्थ हो, दैट नीडेड सेफ कीपिंग, उनको सेफ्टी की जरूरत होती थी।
आपको याद हो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, फर्स्ट सेविंग बैंक इन द यूनाइटेड स्टेट्स फिलाडेल्फिया सेविंग फंड सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ऑन दिसंबर 2016 एंड बाय द 1830s सच इंस्टीट्यूशंस हैज बिकम वाइड स्प्रेड. जो फर्स्ट सेविंग बैंक बना था वो 1816 में बना था. वो किस तरह बना था अगर आपको याद हो, हम पिछले लेक्चर्स को रिकॉल करते हुए एक चीज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. ये आपको याद होगा जब हमने अमेरिका में अमेरिकन बैंक्स की हिस्ट्री को डिस्कस किया, तो मैंने आपको बताया था कि अमेरिका में जब एक ऐसा बैंक बना था 1792 में जिसको ड्यूअल स्टेटस था, जिसको गवर्नमेंट भी ओन कर रही थी और प्राइवेटली भी ओन हो रहा था, तब उसके चार्टर को रिन्यू नहीं किया गया. और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन कांग्रेस को जब फंड रेजिंग की जरूरत पड़ी, तो तब कांग्रेस ने ये 1816 में एक बैंक को प्रमोट किया. ठीक है, तो उसके बाद से ये इंस्टीट्यूशन जो है वाइड स्प्रेड यानी बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं. अगेन आपको मैं सेविंग बैंक्स का तो ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि फर्स्ट सेविंग बैंक जो है दैट वाज डेवलप्ड इन 1810 इन स्कॉटलैंड. लेटर ऑन इन 20th सेंचुरी में सेविंग एंड लोन एसोसिएशन का कंसेप्ट बहुत ज्यादा फेमस हो गया, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गई, क्योंकि ये लोगों को हेल्प कर रही थी थ्रू द होम ओनरशिप, थ्रू मॉर्गेज लैंडिंग एंड फर्दर असिस्टिंग मेंबर्स विद बेसिक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आउटलेट्स. ठीक है, इसमें यह था कि लोगों को बहुत ज्यादा, एक तो उनको होम ओनरशिप वगैरह मॉर्गेज लोन वगैरह स्टार्ट कर दिए, उनको बेसिक इन्वेस्टमेंट आउटलेट्स प्रोवाइड कर रहे थे, उनको पासबुक सेविंग अकाउंट्स और टर्म सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स. देखिए इस पहले क्या था कि जब सेविंग बैंक्स वगैरह बने थे तो उनको वहां पे चेकिंग राइट्स नहीं दिए गए थे, चेकिंग प्रिविलेजेस नहीं दिए गए थे. लेटर ऑन उन्होंने पासबुक और ट्रांजेक्शन अकाउंट्स वगैरह स्टार्ट कर दिए. सेविंग एंड लोन एसोसिएशन जो है दैट वॉज बेसिकली क्रिएटेड इन 1816 टू प्रमोट होम ओनरशिप. देखिए होम ओनरशिप का कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जैसे अमेरिकन एक ड्रीम था कि हर किसी के पास अपना अपना घर हो. ठीक है, और इन द पीरियड ऑफ 1920s अराउंड 12,000 सेविंग एंड लोन एसोसिएशन आर रनिंग एफिशिएंटली. फिर हम सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस में, थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड कैसे आया. जब ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था जिसमें आपके बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को बैंकिंग पैनिक भी आया, आपकी और भी बहुत सारी स्टॉक मार्केट क्रैश भी आया था 1829 में. सेम इन द केस जब वो ग्रेट डिप्रेशन पीरियड स्टार्ट हुआ, तो दैट इज द मेजर फेलियर फॉर द ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस एंड लॉस ऑफ 200 मिलियन इन पर्सनल सेविंग्स. उस ग्रेट डिप्रेशन के रिजल्ट में बहुत सारे थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन का फेलियर हुआ और तकरीबन डॉलर 200 मिलियन जो है पर्सनल सेविंग में, वो उसका बहुत बड़ा लॉस हुआ. देन लोगों ने सोचा कि एक फेडरल होम बैंक एक्ट ऑफ 1932 वॉज एस्टेब्लिश्ड. तब ये एक ऐसा एक्ट बनाया गया ताकि जो उसको क्रिएट किया गया ताकि वो लोगों के डिपॉजिटर्स को इंश्योर करे. लेटर ऑन आपको पता है FDIC बनी थी, जो फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है. इसी तरह एक 1934 में बैंक्स के लिए फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बनी थी और सेविंग एंड लोन एसोसिएशन के लिए फेडरल सेविंग एंड लोन एसोसिएशन कॉरपोरेशन जो है वो बनी थी. दैट वॉज उसका बेसिक पर्पज क्या था, ताकि लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए. सेविंग एंड लोन एसोसिएशन जो है दैट वर वेरी सक्सेसफुल, इसलिए कि ये लो रिस्क बिजनेस था, यहाँ पे इतना रिस्की नहीं था. लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स आई. अब मैं आपको एक ग्राफ दिखाऊंगी जो 2006 में डिपिक्ट कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेविंग एंड लोन एसेट्स की रेशियो बता रहा है, और इस रेशियो से ये पता चलेगा कि सबसे ज्यादा एसेट्स हैं दैट आर हेल्ड इन द मॉर्गेजेस. देखिए ये एक पाई चार्ट है, ये पाई चार्ट जो है ये आपको डिपिक्ट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेविंग एंड लोन एसेट्स इन द पीरियड ऑफ 2010. इसमें आपको मरून कलर में जो नजर आ रहा है दैट डिपिक्ट्स द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड हैज अ वैल्यू ऑफ 24%. लेटर ऑन ग्रीन कलर डिपिक्ट्स द मिसलिनियस एसेट्स दैट हैज अ वैल्यू ऑफ 13.4%. Then a blue color depicts the consumer credit, that has a ratio of 6.4%. Yellow depicts the other loans, that has a ratio of 1.3%. And the remaining portion in the blue color,
depicts that the major asset of the saving and loan association is the mortgages. That is a ratio of 54.9%. इसका मतलब है सेविंग एंड लोन एसोसिएशन का जो मेजर एसेट है वो मॉर्गेजेस है. अब हम डिस्कस करते हैं सेविंग एंड लोन एसोसिएशन के एडवांटेजेस. देखिए, अगर हम खाली आपको हम बात करें, आपको खुद पता है कि इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है. एक तो ये कि आप जो है लोगों की सेविंग्स को प्रमोट करते हैं, उनकी सेविंग्स को एक सेफ एंड सिक्योर प्लेस देते हैं, उनको इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं जो उनका प्रॉफिट होता है. लेकिन इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये था कि जब फेडरल रिजर्व जो है उसमें फेडरल रिजर्व सिस्टम बना तो उसमें एक रेगुलेशन क्यों बनी. That was developed by the Interest Rate Adjustment Act of 1966, जिसमें ये कहा गया कि जो इंटरेस्ट रेट है सेविंग एंड लोन एसोसिएशन में वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेगुलर कमर्शियल बैंक. ठीक है, इसका बेनिफिट क्या हुआ कि ताकि लोगों ने बैंक के बजाय अपने ह्यूज डिपॉजिट जो है वो सेविंग एंड लोन एसोसिएशन में रखते, क्योंकि लोगों को बेनिफिट था और सेविंग एंड लोन एसोसिएशन ने कमर्शियल बैंक के मुकाबले में ज्यादा इंटरेस्ट रेट शो करके लोगों के डिपॉजिट को मोटिवेट किया. ठीक है, इसमें क्या था कि ताकि सेविंग एंड लोन एसोसिएशन बहुत ज्यादा डिपॉजिट अट्रैक्ट कर सके. जब वो डिपॉजिट्स उनके पास बहुत ज्यादा आएंगे तो एज अ रिजल्ट वो बहुत ज्यादा मॉर्गेज लोन वगैरह दे सकेंगे और इस तरह मॉर्गेज मार्केट जो है वो लिक्विड रहेगी, उसकी लिक्विडिटी को मेंटेन किया जा सकता है. उसके अलावा एक और अदर एडवांटेज जो है, जब सेविंग एंड लोन एसोसिएशन बने तो इसमें चेकेबल अकाउंट नहीं थे टिल 1970s. फिर उसके बाद लेटर ऑन, क्योंकि लोग जो है जब 1970s तक लोगों के पास चेकिंग प्रिविलेजेस नहीं थे, लोग अपने अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते थे, तो लोगों ने सेविंग एंड लोन एसोसिएशन के बजाय कमर्शियल बैंक में अपने फंड रखवाना शुरू कर दिए. लेकिन लेटर ऑन 1980s में कमर्शियल बैंक की तरह सेविंग एंड लोन एसोसिएशन को भी ये प्रिविलेजेस दिया गया कि वो ट्रांजेक्शन अकाउंट्स वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं. फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है, जब चेकिंग अकाउंट्स वगैरह आए तो बैंक और थ्रिफ्ट जो दोनों हैं, दैट ऑफर अ वेरी वाइड वैरायटी ऑफ द न्यू मार्केट ट्रेड डिपॉजिट प्रोडक्ट्स. इन्होंने बहुत सारे न्यू डिपॉजिट प्रोडक्ट्स वगैरह स्टार्ट किए. इन 1982 जर्मन डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन एक्ट वॉज पास्ड दैट इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ एसेट्स दैट थ्रिफ्ट कुड होल्ड इन कमर्शियल एंड कंज्यूमर रियल इस्टेट लोन्स. इस लॉ में क्या हुआ कि पहले थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन के पास एक लिमिटेड वो रेशियो थी प्रपोर्शन ऑफ एसेट्स, लेकिन इस लॉ में थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन में प्रपोर्शन ऑफ एसेट्स जो उन्होंने होल्ड किए हुए थे कंज्यूमर एंड कमर्शियल रियल इस्टेट लोन्स में, उसको इंक्रीज किया गया टू इन्वेस्ट 5% देर एसेट्स इन कमर्शियल कॉर्पोरेट बिजनेस और एग्रीकल्चरल लोन्स. उनको ये कहा गया कि थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस को ये राइट दिया कि दे कैन होल्ड 5% ऑफ देर एसेट्स इन द इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट एंड एग्रीकल्चरल लोन्स. अब ये तो हमने एडवांटेजेस डिस्कस किए, अब हम डिक्लाइन डिस्कस करते हैं. देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम सेविंग एंड लोन एसोसिएशन में एक डिक्लाइन आया. ठीक है, एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था सेविंग एंड लोन क्राइसिस का, वो पीरियड था 1986 से 1995 का, जब बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट में सेविंग एंड लोन एसोसिएशन में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आया. जब सेविंग एंड लोन क्राइसिस का एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड आया यूएस में, तो यूएस में जो सिक्योर्ड सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस थे उसका नंबर रिड्यूस कर गया फ्रॉम 3234 से 1645. ठीक है, इस तरह जो है मार्केट शेयर जो है सेविंग एंड लोन एसोसिएशन का फॉर सिंगल फैमिली मॉर्गेज लोन वेंट फ्रॉम 53% इन 1975, दैट आल्सो शो अ डिक्लाइनिंग रेशियो दैट गोज टू 30% इन 1990. ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लॉसेस हुए सेविंग एंड लोन एसोसिएशन में 1980s में. जो कुछ मेजर थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. एक तो ये था कि लैक ऑफ नेटवर्थ फॉर मैनी इंस्टीट्यूशंस एज दे एंटर्ड द 1980s एंड अ होली इनएडिक्वेट नेटवर्थ रेगुलेशन. सेकेंड क्या है, डिक्लाइन इन द इफेक्टिवनेस ऑफ रेगुलेशन क्यू इन प्रिजर्विंग द स्प्रेड बिटवीन द कॉस्ट ऑफ मनी एंड रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स. ठीक है, रेगुलेशन क्यों का वही मैं आपको से डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब सेविंग एंड लोन एसोसिएशन ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स, तो उसका ये अल्टीमेट रिजल्ट क्या आए, दैट लीड्स अ स्प्रेड बिटवीन द कॉस्ट ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स.
फिर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा इंक्रीज कंपटीशन की बात है कि बहुत ज्यादा कंपटीशन जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ और बहुत सारा जब कंपटीशन हुआ तो ऑटोमेटिकली और सबसे साथ के कंपटीशन के साथ साथ न्यू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आई, तो इससे भी बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह के जितने भी जो उनकी परफॉर्मेंस है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि जब हमने बात की थी आपको याद हो जब हम बैंक्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि जो बैंकिंग पैनिक की जो एक मेजर रीजन है वो फाइनेंशियल इनोवेशन भी है। सेम इन द केस थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस में भी जो डिक्लाइन की एक रीजन है फाइनेंशियल इनोवेशन भी है। देन फ्रॉड एंड इनसाइडर ट्रांजेक्शन अब्यूजेस स्पेशली इन द केस ऑफ स्टेट चार्टर्ड एंड रेगुलेटेड थ्रिफ्ट्स। फिर क्या है कि कुछ ऐसे फ्रॉड्स वगैरह हुए, ऑफ कोर्स डिफॉल्ट तो हर जगह हो सकता है, कुछ मेजर डिफॉल्ट्स हुए जिन्होंने अल्टीमेटली सेविंग एंड लोन एसोसिएशन की एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड की रीजन बने। अब हम देखते हैं एक कंपैरेटिव एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस वर्सेस म्यूचुअल सेविंग बैंक्स। ठीक है, पहले हमने देखा कि म्यूचुअल सेविंग बैंक्स जो हैं दैट आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट, और जो सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस हैं ये ऑल ओवर द कंट्री जो हैं पाए जाते हैं। सेकंड क्या है, म्यूचुअल सेविंग बैंक्स इंश्योर देयर डिपॉजिट्स विद द स्टेट और द फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लेकिन इन द केस ऑफ सेविंग एंड लोन एसोसिएशन दिस मे नॉट हैपन, यानी वहां पे सिक्योरिटी नहीं है। थर्ड क्या है, म्यूचुअल सेविंग बैंक्स जो है दैट आर नॉट गोइंग टू हैवीली इन्वेस्ट इन मॉर्गेजेस एज इन द केस ऑफ सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस। ठीक है, इससे क्या पता चला कि म्यूचुअल सेविंग बैंक्स जो हैं वो नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में होती हैं, वो लोगों को सिक्योर डिपॉजिट प्रोवाइड करती हैं एज सिक्योर्ड बाय फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एंड थर्डली ये सिर्फ मॉर्गेज वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करती हैं। अब हम बात करेंगे सेविंग एंड लोन्स इन ट्रबल में, हम थ्रिफ्ट क्राइसिस को डिस्कस करेंगे। वो क्या था कि देखिए थ्रिफ्ट क्राइसिस जो है वही बात है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एक चीज बूम पे जाती है तो उसका डिप्रेशन फेज भी आता है। 1979 में जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी उसकी रेशियो थी 13.13%, सॉरी जब 1979 में जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी उस टाइम उसकी रेशियो थी 13.3%, बट रेगुलेशन क्यू रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स टू ओनली 5.5%। लेकिन क्या हुआ कि इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा थी 13.3%, लेकिन रेगुलेशन क्यू के अकॉर्डिंगली जो इंटरेस्ट रेट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया था 5.5%। ये भी एक मेजर वजह थी जिसकी वजह से थ्रिफ्ट क्राइसिस जो है आया। और अदर क्या है कि मनी मार्केट अकाउंट्स ऑफर डिपॉजिटर्स मार्केट इंटरेस्ट रेट ऑन देयर शॉर्ट टर्म फंड्स, कि मनी मार्केट जो अकाउंट्स हैं वो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट रेट शॉर्ट टर्म फंड्स पे प्रोवाइड करते हैं। एक और जो मेजर क्राइसिस की रीजन थी वो ये थी कि आप कि बस शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स आते हैं और आप लॉन्ग टर्म लोन्स दे देते हैं, लेकिन डिपॉजिटर्स तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए लेकिन जो आपने लोगों को लोन्स दिए वो एज कंपेयर टू डिपॉजिट्स वो बहुत ज्यादा थे। तो ये भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से सेविंग एंड लोन एसोसिएशन या थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशन जो है उन क्राइसिस में चले गए। अब देखेंगे कि कौन कौन से वो पांच फैक्टर्स हैं, इनको हम बस एक दफा रिव्यू करेंगे, इसको ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे। फाइनेंशियल डीरेगुलेशन एंड द परमिसिव 1980s लेड टू सेवरल प्रॉब्लम्स। नंबर वन, मैनेजर्स लैक एक्सपर्टीज इन न्यू प्रोडक्ट लाइन्स। ऑफकोर्स देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एक इनोवेशन आई तो मैनेजर्स की बस इतनी एक्सपर्टीज नहीं थी कि वो इन प्रोडक्ट लाइन को जज कर सके। रैपिड ग्रोथ इन लैंडिंग पर्टिकुलरली रियल एस्टेट। Regulators could not keep pace with the growth. The moral hazard problem led to excessive risk taking. 1981 to 1982 were particularly bad year for some areas. ठीक है, अगेन वही बात कि आपका जो मेजर लॉसेस की प्रॉब्लम थी, फाइनेंशियल इनोवेशन भी आ गई, सेकंड कि आपने बहुत सारे लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड कर दिया, रियल इस्टेट लैंडिंग, वही तीन चार फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से थ्रिफ्ट क्राइसिस जो है आए। अब हम सेविंग एंड लोन ट्रबल की बात करें तो एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूं वो है कि देखिए आपके जो इनसॉल्वेंट सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस हैं वो कौन सी हैं। देखिए हमने बात की थी, आपको शायद याद हो, बैंक्स को मैंने डिस्कस किया था कि बैंकिंग कैसे इंसॉल्वेंट होती, कंपनी कैसे इंसॉल्वेंट होती है। देखिए हमने बात की थी जब आपके नेट एसेट्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू योर टोटल लाइबिलिटीज तो तब आपका इसका मतलब है कंपनी का जो कैपिटल है दैट इज वर्थ वाइल, वो नेट वर्थ होती है उसकी। लेकिन जब आपकी लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाए और आपके एसेट्स कम हो तो आप लॉसेस में जाते हैं जो एक किसी भी कंपनी के लिए इंसॉल्वेंसी में चली जाती है।
सेम इन द केस सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस में क्या हुआ, जो डिपॉजिटर्स थे वो शॉर्ट टर्म के लिए थे और उन्होंने लेंडिंग लॉन्ग टर्म दे दी, जैसे मॉर्गेज लेंडिंग वगैरह है, तो उससे बहुत सारी सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस जो है दैट बिकम इनसॉल्वेंट। तब रेगुलेटर्स ने क्या किया, उन्होंने इंसॉल्वेंट सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस के लिए एक पॉलिसी डिजाइन की जिसको रेगुलेटरी फॉरबियरेंस कहते हैं। Essentially, साइड स्टेपिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी यूजिंग द टेम्पररी बैंड एड्स। उन्होंने क्या किया कि टेम्पररीली बैंड एड्स वगैरह यूज की, और इस पॉलिसी से क्या हुआ कि जब टेम्पररी बैंड एड्स थी वो फर्स्ट टाइम यूज हुई, रिस्क बहुत ज्यादा हो गया, और इसकी वजह से यह हुआ कि सेविंग एंड लोन एसोसिएशन में तो ऑलरेडी कुछ नहीं था, वो पहले ही इंसॉल्वेंट थी, और इस तरह उसको और ज्यादा एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग इन्वॉल्व हो गया। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इंसॉल्वेंट सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस ने क्या किया, डिपॉजिटर्स को बहुत ज्यादा हायर रेट प्रोवाइड किए ताकि वो लोगों की फंडिंग को कैप्चर कर सके। इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हेल्दी सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस हैं उनका कंपटीशन हुआ इंसॉल्वेंट सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस से। फर्दर क्या हुआ, इस तरह कुछ और प्रॉब्लम्स हो गए। देखिए कंपटीशन था, माइट पॉसिबल भी हेल्दी सेविंग एंड लोन एसोसिएशन ने उससे ज्यादा इंटरेस्ट कर दिया हो, तो इसकी वजह से ये एक मेजर रीजन है। देखिए आप सबसे बड़ी रीजन क्या थी कि एक तो सेविंग एंड लोन एसोसिएशन ने विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स लोगों को लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड किए, सबसे बड़ी रीजन तो ये है। फिर जब वो उनका इनसॉल्वेंसी में आ गई तो उन्होंने कुछ टेम्पररी बैंड एड्स वगैरह यूज किए जो उनको और ज्यादा रिस्की एसेट्स में इन्वॉल्व हुए, और फिर एक तो पहले ही इतना रिस्क ले लिया, फर्दर क्या किया कि उन्होंने लोगों को इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा प्रोवाइड करना शुरू किया। देखिए इंटरेस्ट रेट डिपॉजिटर्स के लिए तो बेनिफिट है, प्रॉफिट है, लेकिन सेविंग एंड लोन एसोसिएशन की तो कॉस्ट है। इस तरह वो उन्होंने कहा कि हम कम्पीट करेंगे हेल्दी सेविंग एंड लोन एसोसिएशन फर्म्स से, एंड दिस लेड टू मेनी प्रॉब्लम्स। फिर एक बैंकिंग एक्ट ऑफ 1987 में एक कंपैरेटिव इक्विलिटी की बात की। उस कंसेप्ट का जो बेसिक था वो ये था कि आपका जो आप डायरेक्टेड द FHLLB टू कंटिन्यू रेगुलेटरी फॉरबेरेंसेस, ठीक है, फेडरल हाउसिंग लोन बैलेंसेस में कि कंटिन्यू उनको प्रोवाइड करें रेगुलेटरी ताकि उनको रेगुलेट किया जाए। 1989 में क्या हुआ कि सेविंग एंड लोन इंडस्ट्री जो है दैट सफर्ड इन द लॉसेस ऑफ $20 बिलियन। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, उसमें एक और जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रॉब्लम, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द सेविंग एंड लोन क्राइसिस को डिस्कस करते हुए कि देखिए रिलेशनशिप विद द वोटर, टैक्स पेयर्स, रेगुलेटर्स एंड पॉलिटिशियंस। देखिए जो टैक्स पेयर्स एंड रेगुलेटर्स है उनका जो पॉलिटिक उनका एक रिलेशनशिप था, दैट लीड्स द प्रॉब्लम ऑफ मॉरल हैजर्ड, द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। ठीक है, दिस आइडिया कैन एक्सप्लेन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ड्यूरिंग द SNL क्राइसिस। कोई बात है, मैं आपको शुरू में भी बता चुकी थी कि जब सेविंग एंड लोन्स थी तो उसमें जो डिसएडवांटेजेस है वो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है। टू एक्ट ऑन टैक्स पेयर्स बिहाफ रेगुलेटर सीक टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस। उन्होंने क्या किया, रिस्ट्रिक्ट सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस फ्रॉम होल्डिंग एसेट्स दैट आर टू रिस्की। उन्होंने सेविंग एंड लोन एसोसिएशन को रिस्ट्रिक्ट किया कि वो उन एसेट्स में इन्वॉल्व ना हो जो बहुत ज्यादा रिस्की है, रिक्वायर हायर बैंक कैपिटल, एंड क्लोज इंसॉल्वेंट सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस। फिर हम देखेंगे एक, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक और इसके बाद क्या हुआ कि रेगुलेटर्स को ये इंसेंटिव मिला कि वो प्रॉब्लम को हाइड करें एंड होप दैट अ सिचुएशन करेक्ट्स इटसेल्फ। उन्होंने इस प्रॉब्लम को हाइड कर दिया और उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम खुद बहुत सही हो जाएगा। अब देखिए रेगुलेटर्स ने भी अपना रोल पूरी तरह नहीं प्ले किया, तो लेटर ऑन जो है इससे और ज्यादा सेविंग एंड लोन क्राइसिस जो है और ज्यादा इंक्रीज हो गए बजाय कम होने के। अब अगर हम देखें कांग्रेस ने और प्रेसिडेंट बोथ पास लेजिस्लेशन इन द अर्ली 1980s, उन्होंने ऐसी लेजिस्लेशन बना दी जिन्होंने कहा कि ये और ज्यादा रिस्क टेकिंग एसेट्स में इन्वॉल्व हो, रिक्वायर्ड एडिशनल ओवरसाइट। और फर्दर क्या हुआ कि कांग्रेस ने जो है उनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर करना भी छोड़ दिया। फिर चार्ल्स कीटिंग एंड द लिंकन SNL स्कैंडल, अगर आप लोग इंटरनेट में गूगल आउट करें तो ये बहुत बड़ा एक स्कैंडल था। इसमें क्या था कि चार्ल्स कीटिंग ने एक सेविंग एंड लोन एसोसिएशन थी जिसका नाम लिंकन था, उसको 1984 में एक्वायर कर लिया। ठीक है, और क्या था वो चार्ल्स कीटिंग क्या था कि वो खुद अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड बाय द SEC, वो एक ऐसे फ्रॉड में इन्वॉल्व था सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के, लेकिन उसने सेविंग एंड लोन एसोसिएशन को यूज किया कंस्ट्रक्शन फर्म विद लोन्स,
कि उसने अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म बनाने के लिए कि उसने उसका जो बेसिक काम था वो चार्ल्स कीट का वो क्या था कि अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म बनाए और उसने लोन्स लिए, उसने यूज किया सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस को। ठीक है, फर्दर क्या हुआ, उसने बहुत सारा लिंकन ने इन्वेस्टिंग की, जंग बॉन्ड्स वगैरह किए, बहुत सारे फ्यूचर्स जंग बॉन्ड्स वगैरह यूज किए। और जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने 1986 में जो है वो सीजर हुआ और ही फॉट इंडिग्योरियसली स्पेंडिंग मिलियन इन लॉयर्स फी। उसने बहुत सारा पैसा जो है लॉयर केस इसका चला। और उसके बाद फर्दर क्या हुआ कि ही ऑल्सो मेड कंपेन कंट्रीब्यूशन टू प्रोमिनेंट सेनेटर्स इंक्लूडिंग जॉन मैकिन। हिज टैक्टिक्स वर्क बाय 1987 नो एग्जामिनर वेंट नियर लिंकन दैट इज अंटिल इट फेल्ड इन 1989। देखिए उसने क्या किया, उसने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बुनियाद पे चार्ल्स कीटिंग ने जब लिंकन सेविंग एंड लोन एसोसिएशन को एक्वायर किया तो उस टाइम भी वो फ्रॉड में अक्यूज था, लेकिन उसके बावजूद उसने उसको ले लिया। और उसने क्या किया कि अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म को बनाने के लिए लोन्स वगैरह में उसने जंग बोर्ड और बहुत सारे फ्यूचर्स वगैरह यूज किए। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने सैनेटर को इन्वॉल्व किया इसके अंदर और कोई भी जो एग्जामिनर वगैरह वो लिंकन के इर्द गिर्द नहीं आया। और लेटर ऑन इस तरह जो उसकी कंपनी थी जो भी था लिंकन सेविंग एंड लोन एसोसिएशन दैट फेल्ड इन 1989। अब हम बात करेंगे कि आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म रिकवरी एंड एनफोर्समेंट एक्ट ऑफ 1989 की। उस एक्ट में क्या था, उस एक्ट में कुछ ऐसी चीजें अडॉप्ट की गई थी जो सेविंग एंड लोन एसोसिएशन को ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। इसके मेजर जो प्रोविजन थे उसमें क्या था, द ऑफिस ऑफ द थ्रिफ्ट सुपरविजन assumed regulatory responsibility, FDIC to deposit insurance corporation assumed replacement with the federal saving loan corporation, ठीक है, RTC was established to sell assets of the failed saving and loan associations। ये act basically क्या था, ये उसको जो आपकी insolvent saving and loan associations हैं उनको close करने के लिए बनाया गया था कि उनको basic funding provide की जाए और जो insolvent saving and loan associations हैं उसको close कर दें। फिर लेटर ऑन इस एक्ट का जो बेसिक जो फंक्शन इसने परफॉर्म किया, इसने थ्रिफ्ट इंडस्ट्री को री रेगुलेट किया और बहुत सारे रेगुलेटर्स के लिए इजी किया टू रिमूव थ्रिफ्ट मैनेजर्स। इसने बहुत सारी नई रेगुलेशंस लाई, इसने थ्रिफ्ट इंडस्ट्री को जो उसका जो जैसे फेलियर्स वगैरह थे उनको खत्म किया और उनकी रिकवरी के लिए कुछ लेजिस्लेशन वगैरह पास की गई। बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद सेविंग एंड लोन एसोसिएशन इंडस्ट्री डिड सर्वाइव। अब मैं आपको स्लाइड्स पे इनका आपको लाइन ग्राफ और बार चार्ट्स की मदद से बताऊंगी कि इनके टोटल एसेट्स वगैरह कितने हैं। ये एक लाइन ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या डिपिक्ट हो रहा है, सेविंग इन लोन इंडस्ट्री टुडे कि आपका 1980 से लेके आज तक सेविंग एंड लोन एसोसिएशन डिस्पाइट ऑफ क्राइसिस उसकी क्या परफॉर्मेंस रही, उसके कितने एसेट्स हैं। 1980 में उसके जो एसेट्स थे दैट इज इक्वलेंट टू 0.8, 1988 में ये पीक पीरियड पे गए जो कि तकरीबन 1.6 थे एंड देन ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड हुआ जो 2006 में दोबारा जाके इंक्रीज हुआ और 2010 में दोबारा से डिक्रीज हो गया। अब वो एसेट्स की बात थी और अब हम नंबर ऑफ सेविंग्स एंड लोन्स की बात करते हैं। देखिए आप 1993 से 2010 तक आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है, यानी कि सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस विद द पैसेज जब टाइम उनकी जो रेशियो थी वो डिक्लाइन होगी। ठीक है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे यूएस की बेसिकली बताई जा रही है कि वो 3234 से 1645 होगी, तो ये आप देखेंगे इसमें डिक्लाइनिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। ठीक है, आप देखिए सेविंग एंड लोन एसोसिएशन जो इनका नंबर तो गिर गया है लेकिन जो एवरेज एसेट्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं ड्यूरिंग द लास्ट 20 इयर्स एक्सेप्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2007 टू 2009 दैट इज अ पीरियड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। ये देखें आप देखेंगे किस तरह आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है, ऑल द वे इंक्रीजिंग ट्रेंड है। सिर्फ ये देखें 2007 के बाद 2009 में थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड नजर आया है आपको। अब आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाऊंगी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फॉर द सेविंग एंड लोन इंडस्ट्री, नेट इनकम फॉर द सेविंग एंड लोन फ्रॉम 1984 से 2009 तक और एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए आपको डिपॉजिट्स में आपके पास अभी भी टिल आपके जो डिपॉजिट्स हैं वो 895.3 हैं, यानी अभी भी सेविंग एंड लोन एसोसिएशन लोगों के डिपॉजिट्स को कैप्चर कर रहा है। और उसका जो मेजर एसेट है दैट इज अ मॉर्गेज लोन दैट इज अ रेशियो ऑफ 633.33। उसके बाद इसके आप नेट इनकम को देखें, नेट इनकम का भी आपको एक मिक्स ट्रेंड नजर आएगा, कहीं पे इंक्रीजिंग और कहीं पे डिक्रीजिंग।
आप देखें, आपको 1984 पे स्टार्ट हुआ, 1986 में जाके आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड हुआ, फिर एक डाउनफॉल हुआ, और फिर 1990 में दोबारा से इंक्रीजिंग ट्रेंड हुआ, और फिर आपका जो क्राइसिस का पीरियड था उसमें एक डिक्रीजिंग ट्रेंड आया, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड था एक्सेप्ट इन द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, अब हमने थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस के तीन कंसेप्ट की बात की थी, हमने म्यूचुअल सेविंग बैंक्स को भी डिस्कस कर लिया, हमने सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस को भी डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट यूनियंस को। क्रेडिट यूनियंस क्या है? दैट बेसिक आइडिया वॉज डेवलप्ड इन जर्मनी, वेयर अ ग्रुप ऑफ पूल्ड एसेट्स यूज अ कोलेटरल फॉर ए लोन। जर्मनी में एक आइडिया डेवलप हुआ, ठीक है, जहां पे एक पूल बनाया गया था एसेट्स को यूज करने के लिए, उसके बाद ये लोन जो है फर्दर मेंबर्स को दिया जाता था। क्रेडिट यूनियन का वही बेसिक काम है कि लोगों को क्रेडिट प्रोवाइड करना, एक ऐसी यूनियन जो लोगों की बोरिंग नीड्स को फुलफिल कर सके। और डिफॉल्ट वाज रेयर सिंस ऑल द ग्रुप मेंबर्स नोन ईच अदर, क्रेडिट रिस्क डिफॉल्ट जो है बहुत कम था। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, म्यूचुअल ओनरशिप दैट इज ओन्ड बाय द डिपॉजिटर्स, कॉमन बॉन्ड मेंबरशिप, नॉन प्रॉफिट टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस, रेगुलेशन एंड इंश्योरेंस, सेंट्रल क्रेडिट यूनियंस, क्रेडिट यूनियन साइज, स्टेट एसोसिएशंस। ये आपको लार्जेस्ट 10 लार्जेस्ट फेडरली इंश्योर्ड क्रेडिट यूनियंस जो हैं अमेरिका में कौन कौन सी डिपिक्ट कर रहे हैं, उनके एसेट्स वगैरह कितने हैं। क्रेडिट यूनियंस का भी आप देखें ग्राफ जो है फॉर द पीरियड ऑफ 1933 से 2008 तक, ये भी आपका इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और फिर ये जाके 1981 के बाद जब इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हुआ, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हुई, तो उसके बाद ये डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। क्रेडिट यूनियंस में आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं, रेगुलर शेयर अकाउंट्स, दीज अकाउंट्स आर जस्ट लाइक द सेविंग अकाउंट्स, ठीक है, आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता लेकिन डिविडेंड रिसीव करते हैं। शेयर सर्टिफिकेट ये सीडीज की तरह है, सीडीज का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता होगा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होते हैं, और शेयर ड्राफ्ट अकाउंट्स दैट पे इंटरेस्ट दैट राइट ड्राफ्ट अगेंस्ट अकाउंट्स। ये एक ग्राफ है जो आपको इसकी क्रेडिट यूनियन में शेयर डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि आपके कितने एसेट्स हैं, किस किस जगह पे हैं। तो इसमें जो सबसे ज्यादा आपको शेयर नजर आ रहा है वो शेयर सर्टिफिकेट्स का है, जिसको 33% है। ये आपको लोन्स वगैरह बता रहे हैं कि कितनी तरह के लोन्स हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा लोन्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड्स के हैं, उनके भी तो पैसेज ऑफ टाइम क्रेडिट कार्ड्स जो है वो ज्यादा कॉमन हो गए, लोगों की बोरिंग नीड्स को ज्यादा जल्दी फुलफिल कर देते हैं, तो उनकी रेशियो 29.2% है। अब हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट यूनियंस के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है? इंप्लॉयर सपोर्ट, टैक्स एडवांटेज, देखें जो लोग फुलफिल कर रहे हैं उनको टैक्स एडवांटेज है, स्ट्रॉन्ग ट्रेड एसोसिएशंस, और अगर डिसएडवांटेज देखें तो कॉमन बॉन्ड रिक्वायरमेंट, वही नॉर्मली लोगों की बोरिंग नीड्स वगैरह को फुलफिल करना। अब हम देखते हैं कि एक ग्राफिकल चार्ट आपको बता रहा है क्रेडिट यूनियन मेंबर्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1933 से 2008 तक, और ये आपको एक इंक्रीजिंग ट्रेंड बता रहा है कि बहुत ज्यादा ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और क्रेडिट यूनियन एसेट्स का भी आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड नजर आ रहा है, ठीक है। अब दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। अब हम इस लेक्चर को बिफोर फिनिशिंग द लेक्चर मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ। आज के लेक्चर को में हमने देखा था, सबसे पहले हमने देखा कि म्यूचुअल सेविंग बैंक्स क्या होते हैं। म्यूचुअल सेविंग बैंक्स का जो कंसेप्ट है वो फ्रेंडली यूनियन से ओरिजिनेट हुआ, और जो पहला म्यूचुअल सेविंग बैंक था वो स्कॉटलैंड में 1810 में बना। उसका जो बेसिक काम था वो यही था कि डिपॉजिटर्स जो हैं दैट आर द ओनर्स ऑफ द बैंक। सेकेंड क्या था कि जो लाइबिलिटीज नहीं होती, रादर इट इज ओनरशिप। थर्ड क्या था कि आप जो हैं आपके जो म्यूचुअल सेविंग बैंक्स पे जो डिपॉजिटर्स होते हैं दैट इज अ वोटिंग राइट्स। और फोर्थ इसमें प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है। फिर हमने डिस्कस किया सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस को, हमने देखा कि वो कौन से मेजर क्राइसिस का किस तरह आए उसमें, हमने उसमें एक मैंने आपके साथ लिंकन का जो केस था वो डिस्कस किया था, उसमें पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या थी, फिर हमने एनफोर्समेंट एक्ट को डिस्कस किया, और लेटर ऑन क्रेडिट यूनियंस। कलेक्टिवली इन सब को, म्यूचुअल सेविंग्स को, सेविंग एंड यूनियंस एसोसिएशंस को और क्रेडिट यूनियंस को थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, और अगर बेसिक एम पर्पस इनका हो तो वो तीनों का सेम है। हाँ, आप म्यूचुअल सेविंग बैंक्स में और सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्या था कि म्यूचुअल सेविंग बैंक्स जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज में हैं और सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस ऑल ओवर द कंट्री हैं। म्यूचुअल सेविंग बैंक्स में जो हैं आपके डिपॉजिट्स इंश्योर्ड होते हैं बाय फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, एंड दिस में
नॉट हैपन इन द सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस. और थर्डली म्यूचुअल सेविंग बैंक्स जो हैं वो ज्यादा इन्वेस्ट मॉर्गेजेस में नहीं करते एज इन द केस ऑफ सेविंग एंड लोन एसोसिएशंस. ठीक है, उसके बाद हमने क्रेडिट यूनियंस को देखा. हमने देखा क्रेडिट यूनियंस का कंसेप्ट जो है जर्मनी में स्टार्ट हुआ, वो यही था कि लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करने का, उसमें लोगों को टैक्स एडवांटेज का बेनिफिट होता है. डिफरेंट टाइप के हमने अकाउंट्स देखे क्रेडिट यूनियंस में, और फिर मैंने आपको ग्राफिकल दिखाया कि किस तरह क्रेडिट यूनियंस जो है वो इवेंचुअली इंक्रीज हुए फॉर द पीरियड ऑफ 1833 से 2009 तक. ये तो था आज का लेक्चर. ठीक है, इसमें बेसिकली देखें आप थ्रिफ्ट इंस्टीट्यूशंस में जो बेसिक पर्पस है वो इन तीनों का सेम है. ठीक है, और आप देखें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हर किसी का जो बेसिक पर्पस है वो यही है, फंड्स वगैरह, लेकिन उसमें कुछ प्रिंसिपल्स डिफरेंट हैं, कुछ उनके एक्ट्स डिफरेंट हैं. तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिटी मिल गई होगी आज के लेक्चर में. और अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं. और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ये जो चैप्टर है ये माइट पॉसिबल भी आपको फ्रेडरिक मिशकिन की बुक में ना मिले, क्योंकि मैंने खुद से, मुझे लगा कि एक एक्सक्लूसिव लेक्चर आपको म्यूचुअल सेविंग बैंक्स पे, आपकी सेविंग लोन एसोसिएशन पे होना चाहिए. तो अगर आप इसको देख सकते हैं, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, अगर वैसे तो मैं आपको हैंडआउट्स वगैरह दूंगी तो उसमें ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.